वेलकम बैक टू माय चैनल बीएल मंगल लवर्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सीओ सिंह उस हेलीकॉप्टर से उतरता है। उसके कुछ बॉडीगार्ड्स थे जो उसे फॉलो कर रहे थे, एंड तभी उसका जो सेक्रेटरी था कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा कि हमने एक्सक्यूसिव डायरेक्टर वांशु को एडवांस में नहीं कॉन्टैक्ट किया, क्या ये ठीक रहेगा कि हम लोग उनसे बिना कॉन्टैक्ट किए हुए मिल रहे हैं। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो सीओ सिंह होता है, वो कहता है कि उसे ऑलरेडी पता है कि हम लोग आ रहे हैं और हम लोग आने वाले हैं। एंड फिर एक डिंग की आवाज़ होती है, जैसे कि एलिवेटर खुला हो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है फ्लोर पे ब्लड गिर रहा था। एंड अब ये किसका ब्लड था फिलहाल तो हमें पता नहीं चलता। एंड फिर हमें सीओ सिंह दिखाया जाता है जो कि एक रूम में एंटर करता है और जो कुछ गार्ड रहते हैं उस डोर को ओपन भी करते हैं। जो सीओ सिंह रहता है वो आता है, एंड तभी प्रेसिडेंट वॉन कहता है प्रेसिडेंट सीओ तुम यहाँ पर, एंड ऐसे कह रहा था कि जैसे उसे पता ही नहीं हो कि हमारा सीओ सिंह वहाँ पर आ रहा है। एंड तभी सीओ सिंह कहता है कि हाँ मैं ही, एंड फिर वो एक स्माइल के साथ उसे हेलो करता है। एंड ये सीन यहीं पर कट होता है। अब फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों रूम में बैठे होते हैं। एंड फिर सीओ सिंह कहता है कि वेल ये काफ़ी टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया, ऐसा नहीं है क्या, तुम कैसे हो। एंड ये बात कहने के साथ साथ जो वांशु रहता है कहता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ थैंक्स टू यू, एंड पूछने के लिए भी कि मैं कैसा हूँ, एंड प्लीज़ हैव अ सीट, उसे बैठने के लिए कहता है। एंड दोनों की बातें से ऐसा लग रहा कि एटीट्यूड तो दोनों में है, दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता, बस ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। जो सीओ सिंह रहता है वो वहाँ पर बैठ जाता है, उसके हाथ से ब्लड गिर रहा था। ओह आउच, सच में कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है जो अपने चोट लगने के बावजूद भी वो अपने लवर के बारे में सोच रहा है। अब हमें जो प्रेसिडेंट वांशु होता है वो दिखाया जाता है, वो कहता है मेरा जो सेक्रेटरी था उसने कहा कि उसे काफ़ी ज़्यादा वर्क है तो अभी तक आया नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा और मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ऑफर भी नहीं कर पाऊँगा। एंड ऑफकोर्स ये उन लोगों की नौटंकी थी। एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता कहता है कि ओ तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो ना कि तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं है फिर भी तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो और तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी भी लग रहे हो। एंड फिर उसके बाद जो वांशु रहता कहता है कि हाँ ये सिर्फ इसलिए है कि आज मॉर्निंग से अभी तक मेरी मीटिंग्स ही चल रही थी, अभी 8 मीटिंग्स मैं करके ख़त्म किया हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। एंड ये बात सुनते जो प्रेसिडेंट सीओ रहता है वो स्माइल करता है। एंड तभी कहता है कि सीओ सिंह कहता है सीओ रेन जो है वो तुम्हारे जो भी वेपन्स बनाए गए हैं नॉर्थ सी में उसका ट्रायल चेक कर रहा है ना। एंड ये बात सुनते जो वांशु रहता है वो इसे मना भी नहीं करता, वो कहता है एक दो ये इतने सारे वेपन्स नहीं है, नॉर्थ सी में उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं और वैसे भी ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नई तो बिल्कुल भी नहीं है। सीओ सिंह कहता है कि यू आर राइट बट आई एम श्योर 2 और 3 आइटम्स से भी ज़्यादा तुम्हारे पास आइटम्स होंगे है ना, एंड जिसके बारे में तुमने मुझे बताया नहीं है और ना कि बहुत लोगों को भी पता नहीं होगा, मैं तो अपने आप ही एक चूज़ कर लेता अगर मुझे चूज़ करना होता तो। जो वांशु रहता है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स वो जानता है सीओ सिंह उसका बहुत बड़ा कंपटीटर है। एंड देन उसके बाद हमारा जो सीओ सिंह होता है कहता है वैसे भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के लिए काम आ सकते हैं, जो कि इमेजिन से भी बहुत ज़्यादा आगे है, अगर कोई इमेजिन करना भी चाहे तो उसकी इमेजिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वेपन्स है मेरे पास। एंड देन उसके बाद जो वांशु रहता कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा है, आई मीन ऐसा पॉसिबल है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट एंड इग्नोर कर रहे हो, अगर तुम कहना क्या चाहते हो, अगर तुम बात क्या कर रहे हो। एंड ये बात सुनते सीओ सिंह जो होता है वो कहता है कि मैं मेजॉरिटी की इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ बट तुम्हारे पास जो आइटम्स है, एंड मैं बता दूँ यहाँ कुछ वेपन्स की बात हो रही है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि ऑफकोर्स ये यूट्यूब में वीडियो जाती है और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं वेपन्स का नाम नहीं लेना चाहती बट इतना समझ लीजिए वॉर के टाइम पे जो भी सारे वेपन्स यूज़ होते हैं उन सारे वेपन्स में से सबसे ख़तरनाक वेपन्स का नाम लिया गया है या फिर कोई भी वेपन आप मान सकते हैं। सीओ सिंह होता है वो यही सारी बातें कर रहा होता, फिर वो कहता है कि वैसे भी मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसको ह्यूमंस को यूज़ करना पड़े इस सारी चीज़ों के लिए। तभी सीओ सिंह आगे कहता है कि बट
मैं इन सारी चीज़ों को क्या करूँ, मतलब कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों के साथ। एंड उसे एक पेन ड्राइव दिखाता है और कहता है कि बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, यहाँ पर मतलब सारी कम्युनिटी को यूज़ किया गया है, इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, सारे वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जो कि पढ़ने में के लिए ठीक है बट एक्सप्लेन करने के लिए नहीं ठीक है, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रही हूँ, सो मैं इन सारे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रही, आई होप आप लोग समझेंगे। तो इस छोटे से पार्ट को स्किप करते हैं एंड फिर जो हमारा सीओ सिंह रहता है उस पेन ड्राइव को स्पिन करता है एंड फिर अपने हाथ में ले लेता है। वंशु ये सारी चीज़ें देख रहा था एंड मैं आपको बता दूं गाइज, उन दोनों की छोटे छोटे जो वर्ड्स है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अदरवाइज मैं किसी भी सीन को स्किप नहीं कर रही हूँ। जो वंशु रहता है वो कहता है आई डोंट नो कि अगर मेरे पास वो चीज़ होगी या फिर नहीं होगी, बट आई थिंक किसी के पास ये चीज़ है गाइज। लिटरली ये पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि मैं लिटरली उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऑफकोर्स इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होते हैं। सो मैं इतना आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जापान में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था, सो उसी के रिलेटेड कुछ बातें हो रही है। आई होप आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी और आप लोगों को याद ही होगा कि जापान में स्पेशली हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में क्या हुआ था। सो इस बारे में थोड़ा डीप नहीं जाते हैं, स्किप करते हैं। जो वंशु रहता है वो उस चीज़ को लेना चाहता था और कहता है कि रतन देन क्या तुम मुझे ये सारी चीज़ें दे सकते हो। एंड ये बात सुनते सीओ सिंह होता है कि ऐसा ब्रिलियंट रिस्पॉन्स था तुम्हारे सिली क्वेश्चन का, बट शायद तुम मुझे समझ गए है ना, आई मीन ऑलरेडी हम दोनों एक दूसरे को कुछ सालों से जानते हैं है ना। एंड ये बात सुनते वंशु के तो ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ। एंड तभी जो सीओ सिंह रहता है कहता है कि सभी लोगों को ये छोटी सी चीज़ चाहिए, बट ऑफकोर्स हम दोनों इस सभी चीज़ों में इंक्लूडेड हैं। तुम्हें क्या लगता है ये वर्ल्ड क्या अचीव कर पाएगा या पीस पाएगा? मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कब तक चलने वाली हैं और कब ख़त्म हो जाएंगी, बट कुछ भी हो एंड में जो कुछ भी होने वाला मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। बस एक चीज़ है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है वो अकेला नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन है। एंड ये बात वंशु कह रहा था कि हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अकेले नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड ये चीज़ें कहाँ ख़त्म होने वाली है उसे भी नहीं पता। उन दोनों में काफ़ी देर तक इसी वेपन्स एंड पता नहीं क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है। तभी सीओ सिंह उठता है और कहता है कि तुम्हारी तरकीब अभी भी काम नहीं आई, शॉर्ट टाइम के लिए भी काम नहीं आई, तो मैं तुम्हें यही एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम पूरे मैनेजमेंट को रिस्क में ना डालो, समझे, क्योंकि मैनेजमेंट टीम अगर रिस्क में आई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सी यू लेटर देन। एंड वो बाय कर जाने लगता है, तभी जो वंशु होता है उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है प्रेसिडेंट सी यू मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए सिर्फ ये सारी बातों के लिए आए होंगे, सो बैठते हैं जो बात है उस बारे में बात कर ले। एंड ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है कि ऐसा लगता है कि फाइनली अब तुम मेरी बातों में इंटरेस्टेड हो और चलो एक प्रॉपर डील करते हैं। एंड वो उस बातों को अग्री हो जाता है करने के लिए एंड तभी वो कहता है कि शैल वी डिस्कस इट प्रॉपरली। एंड उसके बाद दोनों खड़े होते हैं एंड दोनों स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि ज़रूरत दोनों की ही थी। तभी सीओ सिंह अपने असली फेशियल एक्सप्रेशन दिखाता है और कहता है कि वांशु, और वो एक चीज़ का नाम लेता है और कहता है कि तुमने यंगजीन के बॉडी के अंदर वो चीज़ इंजेक्ट की। एंड तभी वंशु कहता है कि हाँ, क्योंकि आइटम तुम्हारे पास था सी यंगजीन, तुमने वो आइटम रखा था तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एंड तभी जो सीओ सिंह होता है कहता है कि मैं ये सारे आइटम को फाइंड करने जा रहा हूँ, अगर तुम मुझ पर बिलीव करते हो तो तुम मुझे उसका एंटीडोट दे दो ताकि मुझे भी टाइम मिल जाए कि मैं तुम्हारे लिए वो आइटम ढूंढ कर ला सकूं। एंड ये बात सुनते ही वंशु कहता है कि मुझे तुम पर डाउट है, मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं और तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं ये सारी चीज़ को, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लूँ कि तुमने ओरिजिनल सोर्स को लीक किया और ये सारी चीज़ों को ऐसे चुरा लिया, तुमने ये सारी चीज़ें की, ओ गॉड तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज़्यादा लॉस हुआ, तुम अपने प्राइवेट हाउस में छुप गए और मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा था। एंड फिर उसके बाद सीओ सिंह एंड वंशु एक दूसरे को देखते हैं एंड तभी जो हमारा सीओ सिंह होता है उस पेन ड्राइव को नीचे फेंक देता है और तभी जो वंशु होता है उस इंजेक्शन को भी दे देता है, क्योंकि दोनों कितनी भी फाइट कर ले दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी। सीओ सिंह को ज़रूरत थी कि
उसे हमारे यंगसिन को बचाना है, वो भी 48 घंटे 48 आवर्स पूरे होने से पहले। वंशु ये था कि उसे वो आइटम चाहिए ही चाहिए थी। एंड किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियोस को देखकर कि वो आइटम क्या था, उसे अभी तक नहीं समझ में आया। तो मैं ये बता दूं कि वो आइटम कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, वो कोई डेंजरस चीज़ थी जिसका नाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस। सो मैं यही कहूँगी कि आप उसे एक ऐसा समझिए कि कोई भी कंट्री पे किसी दूसरी कंट्री ने अगर अटैक किया तो वो सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ करता है, उसी चीज़ की हेरा फेरी चल रही थी। मैं बहुत सारे वर्ड को बच रही हूँ कि मैं उस सारे वर्ड को स्किप कर दूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ ऐसे वर्ड ले लिए ना तो यूट्यूब मुझे येलो डॉलर देगा या फिर मेरी वीडियो को रेस्ट्रिक्टेड भी कर सकता है, तो फिर से अगेन मुझे रीशूट करना पड़ेगा वीडियो को, रीअपलोड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड फिर से करना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा झमेलों में ना फंसते हुए तो मैं इन सारे वर्ड को अवॉइड कर रही हूँ। सो प्लीज़ समझिए कि वो आइटम था ही क्या। एंड दोनों उस चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, हमारा जो सीओ सिंह रहता है उस चीज़ को ले लेता है और सीओ सिंह तुरंत उस इंजेक्शन को लेने के बाद जाने लगता है। अब हमें अगेन फिर से हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है एंड वो किसी सोच में डूबा हुआ था। एंड फिर हमें वंशु दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं कैसे ये चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इस फैक्ट को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि जो ओरिजिनल सोर्स था तुमने उसे लीक किया और जो वो चीज़ था जो तुमने चुराई थी मेरे ही लैब से चुराई और उसे डिकोड भी किया, कैसे कर सकती हो, और तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और तुम्हारा जो प्राइवेट हाउस है उसमें तुम हाइड हो गए। एंड ये बात सुनते जो यंगजीन है, हमारा जो सीओ सिंह है, वो कुछ सोच में ही डूब रहा था। सोचने लगता है कि जो रीज़न है कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, इतनी दूर आया, और उसे यंगजीन की याद आने लगती है कि वो उसके लिए इतनी दूर आया, वो अपने प्राइवेट हाउस में था फिर भी उससे यहाँ तक मिलने आया। एंड वो हंसने लगता है कि हु इज केयर अबाउट दैट। एंड फिर वो अपने आप पे ही हंस रहा था कि वो इतना बड़ा एक माफिया का पर्सन हो के, माफिया गैंगस्टर क्या बोलूँ, एक ऐसे टाइम से बिलोंग करके, ऐसी जगह से बिलोंग करके वो एक जगह हार गया, वो एक पर्सन के लिए अपने आप को झुकाने के लिए भी तैयार हो गया कि वो वंशु से मिलने ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पर वंशु उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी वो वंशु से डील करने आया। वाओ, इसीलिए हमारा जो सीओ सिंह था वो खुद पर हंस रहा था कि उसने एक इंसान के लिए अपने रूल रेगुलेशन सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, उसे सच में प्यार हो गया था। एंड यहीं पर हमारा ये सीन कट हो जाता है और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइज आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टाटा एंड बाय बाय, सी यू सून गाइज़।